दोस्तों हम आ पहुंचे हैं पुनौरा धाम। जी हाँ, माता सीता, माता जानकी की जन्मस्थली। कहते हैं कि जब मिथिला में अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, तो पुरोहित ने राजा जनक को हलष्टी यज्ञ कराने की सलाह दी। यानी कि पुरोहित ने बोला कि आप कहीं खेत में हल डालें तो इंद्र प्रसन्न होंगे और बारिश होगी। और इसी क्रम में यही वो जगह है जहां राजा जनक ने खेत में हल चलाया था और वो हल जो है एक पात्र से जाकर टकराया। बाद में उसी धरती में गड़े उस पात्र से माता सीता निकली। तो देख लीजिए, मैं अभी वहीं उसी धाम पर हूँ जहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था। ये पुनौरा धाम जो शिवहर में देवकली है, वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एक्चुअली यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे हैं तो मंदिर का दरवाज़ा जो है वो बंद हो चुका है। पुनः ये 3 बजे ओपन होगा श्रद्धालुओं के लिए, तब वो अंदर जा पाएंगे। तो 1 बजे से 3 बजे के बीच में अभी जो मंदिर का दरवाज़ा है वो बंद हो जाता है। और यहीं देखिए सीता कुंड है। ये जो तालाब जैसा आपको दिख रहा है ये सीता कुंड है। और ये जानकी स्थल पुनौरा धाम में जो पार्क है वो पार्क के अंदर का आप देख रहे हैं। ये देखिए ये पार्क है, यहाँ पर आकर छोटे छोटे बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी रोहित कुमार। रोहित जी, तो रोहित जी रहते कहाँ हैं आप? सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी यहीं पर? हाँ, पुराना में ही हैं आप? नहीं, यहाँ से 500 मीटर। अच्छा अच्छा, तो पुराना में और क्या क्या है? देखिए ग्रंथों में कहा गया है कि ये मंदिर बहुत सही है, सही नहीं मतलब ऐतिहासिक है, माता सीता का यहाँ जन्म हुआ है। और सबसे ज़्यादा इसमें ये है मंदिर के पास कि आप 10 बार भी दिन में आ जाए, कभी भी आपको ये नहीं एहसास होगा कि अब हम यहाँ पर बोर हो रहे हैं, शांति ही मिलता है। हम लोग का लोकल है, महीनों में 20 बार भी आ जाते हैं, लेकिन किसी एक जगह पे आप बार बार जाते जाते ये फील होता है ना कि अब मत जाओ वहाँ, लेकिन ये मंदिर का ये प्रांगण एक ऐसा है, जब भी आप आएंगे तो यहाँ बहुत सुकून मिलेगा। सुकून मिलेगा, कभी ये फील, ये सबसे बेहतर ये दिखा आप लगता है कि अक्सर यहाँ आया जाया करते हैं? हाँ हाँ हाँ, वो तो बचपन से रह रहे हैं। अच्छा, तो एक बात और कि राम जानकी मंदिर जो सीतामढ़ी का है वो यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो आपको ये पता है क्या कि राम जानकी मंदिर, चूँकि जिन सीता जी का ये जन्मस्थली है, तो वो मंदिर यहाँ क्यों नहीं है कि 1 किलोमीटर दूर है? देखिए जहाँ तक कहा गया था या हमारे माता पिता बताते हैं कि यहाँ क्या कहते हैं जन्म हुआ था सीता जी का जी। और जब रास्ते में ले जाया जा रहा था तो यहाँ से 1 किलोमीटर राम जानकी मंदिर के पास बारिश का कोई टाइम था, वहाँ पर उसको स्थान दिया गया बारिश, वो लोग ठहरे वहाँ पर। हाँ ठहरे, फिर रुक जाइए, तो उस एवज में वहाँ भी मंदिर स्थापित कर दिया गया जी। ऐसा कहा जाता है कि जनक जी गोद में उठा करके वहाँ पे सीता जी को हल जोतने के समय वो हल में निकली थी। यहाँ से और राजा थे तो ये तो खेत था, और इस खेत से वो गोद में उठा करके वहीं पर ले जा करके वो ठहरे, फिर वहाँ से वो लोग। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए सर। बहुत मजा आया, मजा आया सर, बहुत मजा आया। प्रेम जी से पूछते हैं कैसा लगा यहाँ पुनौरा धाम? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना जी? प्लेस बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब पार्क है, यहाँ कुंड है, तालाब है, मंदिर है जी, और यहाँ पर मेंटेनेंस थोड़ी अच्छी है, दिख रही है यहाँ पे देखने, और आगंतुकों की भीड़ भी है, और आगंतुकों जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो सेटिस्फाइड भी दिख रहे हैं जी। तो काफी अच्छा फील हो रहा है जी, बहुत। तो छुट्टियों में आप भी आइए, बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ पे बहुत ही आपको आने के बाद एक अलग तरह का फील मिलेगा। मेरा चिंटू जी यहाँ सर है, मेरे चिंटू जी बहुत दूर से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हैं। चिंटू जी स्पेशल दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए हुए चिंटू जी देखने के लिए। तो चिंटू जी, देवकली का जो व्यवस्था है वो देख के थोड़ा चिंटू जी अपसेट थे, दिल्ली से आए थे, लेकिन इनसे पूछते हैं कि यहाँ पुनौरा धाम में आने के बाद इनको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का साफ सफाई देख के, पार्क वार्क सब, बैठने बैठने का भी व्यवस्था है यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया है। तो माता सीता का जो जन्मभूमि है, एक अपने आप में ये बहुत बड़ा जो ऐतिहासिक धरोहर है। और एक मिलिए हमारे और गेस्ट हैं यहाँ पर जो आए हैं मथुरा से। क्या नाम हुआ आपका? विनय शर्मा। विनय जी, घुमा आपने सब बढ़िया से? काफी अच्छा लगा, यहाँ पर काफी शांति है, वातावरण एकदम शुद्ध है, जलवायु भी अच्छी है यहाँ की,
तो मथुरा में कहाँ रहते हैं? मथुरा में रहते हैं, मथुरा से थोड़ा हमारा पहले पड़ जाता है, आउटर है। अच्छा, ये तुलसी जन्म भूमि है जहाँ पर तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, हम उधर से हैं। ओ, तो घूमने के ख्याल से ही आप यहाँ आए? दर्शन से, हाँ, चार धाम यात्रा पे, गंगा सागर, ये सब दर्शन के लिए, स्नान के लिए। दोस्तों देखिए, ये माता सीता की जन्मभूमि पर ये मथुरा से आए हैं। मिलिए एक और जो यहाँ पे आई हुई है बाहर से, अभी मथुरा से। मैं यूपी मथुरा से आई हूँ और मैं पहले भी एक बार आ चुकी थी, लेकिन मुझे इस बार दर्शन नहीं, पहले दर्शन नहीं हुए थे। इस बार मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ आके दर्शन करके जाऊँ, और जैसा कि मैंने बहुत सुना है सीताराम सीताराम, तो आज मैं उनके पूरे प्लेस को देख रही हूँ, एक अलग सा अफेक्शन जोड़ा है, तो मैं इसको बहुत खुद को बहुत खुश नसीब मानती हूँ। राम जी का तो अयोध्या पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, लेकिन ये बात है कि सीता की जन्मस्थली उस हिसाब से प्रचलित नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या अच्छा लगा? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एकदम सब कुछ नेचुरल है, और सीता जी की जो यादें हैं, मेमोरीज हैं, अभी आके वो लग रहा है कि वो और रिफ्रेश हो गई हैं, उनसे हम और जुड़ गए हैं, तो अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्मिता भारद्वाज है। अरे वाह, तो स्मिता जी एक बात बताएं कि आप तो मथुरा में हैं, और भी जगहों पे गई होंगी, बहुत सारे जगहों पे घूमा है, जैसा उन्होंने बोला कि चारों धाम की यात्रा पे हम लोग निकले हैं जी, तो यहाँ पर्यटन की दृष्टि से और क्या क्या होने चाहिए थे? मुझे लगता है थोड़ा सा अभी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जैसे यात्रियों के आने के लिए, थोड़ा सा रुकने के लिए थोड़ा सा और अच्छा सा होना चाहिए, और अच्छे होटल्स वगैरह, और कनेक्टिविटी थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए, इसका प्रचार होना चाहिए कि सीतामढ़ी में इतना, मतलब सीता जी का रहने का है यहाँ पे, लोगों को, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि सीता जी कहाँ रहती है और कैसे है, तो उस दृष्टि से भी थोड़ा सा और प्रसार होना चाहिए उनका, और मैं चाहती हूँ बहुत अच्छा लगेगा, अपने भारत का विकास होगा। बिल्कुल सही कहा, अपनी मान्यता। तो मथुरा से कैसे पटना आए होंगे आप लोग? सबसे पहले बाई बस से आए थे, बाई बस आए, प्राइवेट कैसे आए? बाई बस से करी, प्राइवेट बस करी थी हमने खुद। अच्छा, प्राइवेट बस किया आपने? प्राइवेट बस करा। ओके, कोरोना काल के चलते आने में भी आप लोगों को काफी दिक्कत, बस करके ही आप लोगों को आना पड़ा। मैया के दरबार है, अब तो कोरोना खत्म ही हो जाएगा जहाँ तक है। बिल्कुल, आप लोग एंजॉय कीजिए, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। जनक जी हल चला रहे हैं, पहले वहाँ जनक जी शंकर भगवान का पूजा किए, फिर पूजा करने के बाद जुताई शुरू किए, जुताई के बाद जो है ऐसे कि एक घड़ा मिला, और उस घड़े से जो है माँ सीता का उत्पत्ति हुई। तो ये एक डेमो है यहाँ पर, एक तरह से बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन काल की बात है, उस युग की बात है जब राम और सीता का युग जो कहते हैं, उस युग की बात है, त्रेता युग की बात है। तो आप देखिए, उस समय की जो घटनाक्रम हुई थी उसको बताने के लिए यहाँ पे एक डेमो दिया गया है, और ये आप सामने देख रहे हैं। तो ये जनक जी खेत जोत रहे हैं दो बैलों के जरिए, और वहीं हल है जो जाकर एक पात्र में टकराती है, और उस पात्र को निकाला जाता है, तो माता सीता धरती से उस पात्र के जरिए प्रकट होती है। देखिए वहाँ पर वो घड़ा भी दिखाया गया है, तो उसी घड़े में एक बालिका माँ जानकी मिलती हैं, और उन्हें गोद में उठाकर वो चल देते हैं, और बारिश के लिए ही यज्ञ हुआ था, और कहा जाता है कि बारिश भी होने लगी, और बारिश जब बहुत मूसलाधार होने लगी तो आगे चल करके 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं, वहीं पर वो लोग रुके, विश्राम किए, और वो स्थान जानकी स्थान के नाम से सीतामढ़ी जिले में फेमस हुआ, पॉपुलर हुआ। ऋषि कैसे नहीं बता सकते, ऋषि का नहीं बता सकते, नाम भी नहीं लिखा हुआ है, सब ऋषियों का पांव है यहाँ पे। देखिए छोटे छोटे जो गुंबद में आप देख रहे हैं, इसमें ऋषि मुनि के जो पांव हैं उनकी आकृति बनी हुई है, लेकिन ये पांव किन किन ऋषि मुनियों के ये पांव हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों मंदिर के दरवाजे बंद हैं, अंदर हम जा नहीं सकते हैं, वो तो 3 बजे खुलेगा, लेकिन करीब करीब जो इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो चलते हैं यहाँ से हम लोग जानकी स्थान, जो 1.5-2 किलोमीटर आगे है, जहाँ पर माता सीता को बारिश होने के बाद जनक जी लेकर रुके थे, वहाँ भी ज़रा दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो वीडियो में बने रहिएगा,
हम लोग पहुँचते हैं 15-20 मिनट में, तो फिर अपडेट लेके हाजिर होते हैं।